Okay, guys, let us begin with a new chapter in our SST, and that chapter is, of course, major landforms. Okay, हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. हम देखो मोटा मोटी जो अर्थ का सरफेस है उसमें क्या है, या तो जमीन है या फिर पानी है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, राइट? थ्री फोर्थ जो एरिया है अर्थ का सरफेस जो है, अर्थ की सतह पर जो तीन चौथाई जो हिस्सा है, दैट इज कवर्ड बाय वाटर, ओके? और वन फोर्थ जो है दैट इज कवर्ड बाय लैंड. अब अगर इसमें भी अगर आप बात करिएगा, लैंड की भी बात करिएगा, तो वहां पर भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ओके? द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म और इवन एट ऑल प्लेसेस. सब जगह पर अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समतल जगह की तरह नहीं है. एट सम प्लेसेज इट इज हाई वाइल एट द अदर प्लेसेज इट इज लो, राइट? कुछ जगहों पर जो है ये ऊंचा है, कुछ जगहों पर जो है ये नीचा है. और यही वजह है कि ये जो वेरिएशन है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सतह पर जो ये विविधताएं हैं, जो ये वेरिएशंस जो हैं, इसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है? लैंडफॉर्म्स जिनको कि हम लोग रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं, ठीक है? तो व्हाट आर रिलीफ फीचर्स? तो रिलीफ फीचर्स आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विच इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसमें से माउंटेन्स की. तो माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट राइज अबव द एरिया अराउंड देम, ओके? दे आर वेरी हाई. माउंटेन जो है वो इस तरह के लैंड फॉर्म है जो कि अपने आसपास के एरिया से काफी ऊंचे हैं. जैसे मान लो कि अगर इन्हीं एंडीज के ही रेंजेस को देख लो, एंडीज के ही पहाड़ों को देख लो, तो ये जमीन के नॉर्मल सर्फेस से काफी ऊंचे हैं. या फिर अगर आप हिमालयस को ही देख लो, तो वो भी क्या है, हम लोगों के लेवल से तो काफी ऊंचा ही है ना, राइट? नाउ माउंटेन्स यूजुअली हैव स्टीप एंड स्लोपिंग साइड्स. जैसे यहां पर देखो तो क्या है, बिल्कुल तगड़ी ढलान है ना, इधर नीचे की तरफ जो ढाल है वो बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल खड़ा ढाल है, एकदम से नीचे की तरफ है, राइट? द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. जो ये जो बिल्कुल चोटी ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो, ये सब पॉइंट या ये सब पॉइंट, ठीक है? तो बिल्कुल टॉप वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पीक, चोटी. नाउ पीक्स मे बी कॉनिकल और राउंड इन शेप. ये पीक जो है, ये चोटी जो है वो या तो इस तरह से कोना वाला होगा, ठीक है, बिल्कुल जो है इस टाइप का होगा पीक, या फिर ये जो है थोड़ा राउंडिश शेप का हो सकता है, जैसे कि ऐसे करके हो जाएगा, है ना, थोड़ा गोल टाइप का जो है ऊपर में हो जाएगा. माउंटेन्स से थोड़े छोटे जो होते हैं वो होते हैं हिल्स. हिल्स आर स्मॉल माउंटेन्स दैट आर नॉट वेरी हाई. तो उन्हीं में से जो छोटे जो माउंटेन्स हैं, थोड़े छोटे साइज वाले, तो उनको हम कहते हैं हिल्स. अब माउंटेन्स जैसे होता है क्या है कि बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं वो एक साथ जुड़े रहते हैं. जैसे यहीं पर देखो तो ये अलग अलग माउंटेन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं, समझे ना? तो इस तरह से अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दैट आर ज्वाइंट टूगेदर फॉर्म अ माउंटेन रेंज. पहाड़ों का झुंड जो कि मान लो कि एक साथ, मतलब एक सीरीज में है, एक श्रृंखला टाइप का बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज. जैसे कि द हिमालयस और द एंडीज, ये जो है माउंटेन रेंजेस के एग्जाम्पल हैं. अब माउंटेन्स की भी अगर बात करिएगा तो दे डिफर इन हाइट एंड शेप. ऊंचाई और शेप में ये जो है डिफरेंस होता है. दिस हैपेंस ड्यू टू देयर एज. ये जो है पहाड़ की उम्र की वजह से, एज की वजह से होता है. एज कैसे? अब इसे मान लो कि द हिमालयस आर न्यू माउंटेन्स, ओके? हिमालय जो है नया माउंटेन है कंपैरेटिवली दूसरे माउंटेन्स की तुलना में, से अरावलीज वगैरह की तुलना में हिमालय जो है बिल्कुल नया माउंटेन है, काफी नया माउंटेन है. एंड इसी वजह से क्या है, दे आर वेरी हाई माउंटेन्स विद शार्प पीक्स. ये जो है काफी ऊंचे माउंटेन्स हैं हिमालयस में, काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब हैं जिनकी बिल्कुल जो है एकदम से शार्प, एकदम से जो है तेज, जो है कह सकते हो कि इनकी चोटियां हैं. ऑन द अदर हैंड द अरावलीज आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स. अरावलीज जो है काफी पुराने माउंटेन्स हैं, सो दे आर स्मॉलर इन हाइट विद राउंडेड पीक्स. इनका जो है, इनकी जो है हाइट भी कम होगी और इनकी चोटी जो होगी इस तरह से गोल टाइप की हो जाएगी. क्यों? तो वो हवा वगैरह में धीरे धीरे कट छट के जो है बराबर हो गया. तो माउंटेन्स के फीचर्स क्या है? तो अगर हाई माउंटेन वगैरह होगा तो हाई माउंटेन्स में क्या होगा, द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. जैसे हिमालयस वगैरह में खास करके देखोगे, या एंडीज वगैरह में भी कुछ एरियाज में देखोगे आप, तो वहां पर जो चोटियां जो उनकी होंगी वो बर्फ से ढकी रहेगी ज्यादातर समय साल में. सो देयर इज लिटल और नो वेजिटेशन, और इसलिए वहां पर जो है आपको नहीं के बराबर ही जो है पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे या नहीं ही मिलेंगे. Due to extreme weather conditions,
The माउंटेनस regions of the world are generally thinly populated. क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है वहां पर, इन द सेंस कि काफी ठंड पड़ेगी वहां पर, ठीक है ना, खेती बाड़ी के भी चांसेस बहुत कम होंगे, तो इस वजह से ये सब एरियाज जो है उनमें काफी कम पॉपुलेशन मिलेगी, काफी थिनली पॉपुलेटेड है ये. ज्यादातर लोग कहाँ रहेंगे, तो पीपल मोस्टली लिव ऑन द फुट हिल्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स. मतलब कि जैसे मान लो कि ये पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी जैसे है, तो इसका जो निचला वाला हिस्सा होगा यहाँ पर लोग रहेंगे, ठीक है ना, या फिर जो नीचे वाला चोटी पर नहीं, जो नीचे वाला जो हिस्सा है लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, यहाँ पर लोग रहेंगे नॉर्मली. इसके अलावा माउंटेन्स जो है दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. पहाड़ जो है वो नेचुरल बैरियर भी प्रोवाइड करते हैं ठंडी और गर्म हवाओं के खिलाफ. ये खास करके जो है आप हिमालयाज के केस में देख सकते हैं कि हिमालय जो है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से आने वाली जो है गर्म और ठंडी हवाओं को रोक के हम लोगों को बहुत बचाता है. माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स. पहाड़ जो है बहुत सारी नदियों के भी स्रोत हैं, लाइक चाहे हमारी गंगा हो, यमुना हो, नदियाँ जिनको कि हम लाइफ लाइन मानते हैं, राइट. तो वो नदियाँ किधर से निकलती हैं, वो भी तो है हिमालयाज से ही निकलती हैं, हिमालय के पहाड़ों से ही निकलती हैं. द डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन द माउंटेन स्लोप्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ. अब मान लो कि बिल्कुल पीक पर तो नहीं, लेकिन इस पीक से नीचे के एरिया जो होंगे वहां पर आपको घने जंगल मिलेंगे, ठीक है, और उन घने जंगलों में जो है ढेर सारे जानवर भी होंगे आपके. दे आर ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. ये पहाड़ जो है, इन पहाड़ों से आपको काफी रिच जो है, इनमें जो है आपको ढेर अलग अलग टाइप के जो है मिनरल्स भी मिलते हैं, खनिज पदार्थ भी मिलते हैं. ओके, द रीजन्स अराउंड माउंटेन्स डेवलप इन टू इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स. पहाड़ के आसपास पहाड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जो है दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, शिमला, कुल्लू, मनाली, राइट. ये सब क्या है, ये सब जो है डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं. कहाँ है ये, पहाड़ों में ही है ये. तो ये आपके हो गए पहाड़ के लाइफ या पहाड़ के डिफरेंट आस्पेक्ट्स. अब माउंटेन्स के बाद देखो प्लेट्यू को भी देख ही लेते हैं एक बार. नहीं, ऊंचाई वाले ही बात कर रहे हैं. तो प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू इज ए हाईलैंड बट विद अ फ्लैट टॉप. ओके, प्लेट्यू जो है इसकी ऊंचाई भी ज्यादा होगी, लेकिन एक किस टाइप की होगी, मान लो इस तरह से ऊंची तो है ये एकदम से, लेकिन ये काफी फ्लैट है टॉप ऊपर से, ठीक है, इस टाइप का एकदम से. तो ये फ्लैट टॉप होने की वजह से ही है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. इसे जो है टेबल लैंड भी कहते हैं, कि नीचे से तो उठा हुआ है लेकिन ऊपर में बिल्कुल फ्लैट सर्फेस है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज बाई स्टीप स्लोप्स. आसपास के एरिया से कैसे अलग होंगे, तो वेल आसपास के एरिया से इनका जो ये ढलान जो है वो इनको सेपरेट करेगा, चढ़ाई ज्यादा हो गई ना इस तरीके से. नाउ सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेट्यूज. इन प्लेट्यूज से भी बहुत सारी नदियां निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी पानी, मान लो इसके ऊपर जो बारिश होगी, तो वो बारिश का पानी तो इवेंचुअली क्या होगा, धाराओं के रूप में नीचे जाएगा ना. इस तरह से बहुत सारी नदियां निकलती हैं. इन सम रीजन्स द रिवर्स रन डाउन एज वाटरफॉल्स ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स. कुछ रीजन्स में जो है नदियां जो है वो झरने के रूप में, वाटरफॉल के रूप में नीचे गिरती हैं, जहां पर स्लोप जो है बिल्कुल स्टीप है. जैसे मान लो कि किसी एक साइड से जो है, जैसे मान लो कि ये एक पठार जा रहा है और अचानक से जो है यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो पानी अगर बहते हुए यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, धराम से पानी जो है वो नीचे गिरेगी, वाटरफॉल बन गया इधर, है ना, वाटरफॉल आ रहा है नीचे आपका. अब प्लेट्यूज के क्या फीचर्स हैं, तो वेल वेजिटेशन अगर बोलोगे, पेड़ पौधे की बात करोगे, तो वो जो है रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है. लो प्लेट्यूज इज ऑफ्टन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ओके, जो लो प्लेट्यूज जो हैं वो खेती के लिए अक्सर सुटेबल हैं, व्हाइल हाई प्लेट्यूज आर यूजुअली सुटेबल फॉर कैटल एंड शीप रियरिंग. जो ऊंचाई पर जो प्लेट्यूज हैं वो जो है मवेशी वगैरह पालने के लिए ठीक है. Some plateaus are extremely large and cover hundreds of kilometers. कुछ plateaus जो हैं वो काफी बड़े हैं और सैकड़ों किलोमीटर में हैं. For example, the Deccan plateau in India. Deccan का पठार जो है इंडिया में is a large plateau which extends over 8 states. ये जो है करीब 8 राज्यों में फैला हुआ है. Okay? Some plateaus are rich in mineral resources. कुछ प्लेट्यूज जो है वो मिनरल रिसोर्सेज में काफी रिच हैं. फॉर एग्जांपल, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज रिच इन कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड कॉपर. नागपुर का, छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, जो पठार है इंडिया में, वो जो है
कोयला, लोहा के लोहा का ओर, या फिर बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर, इन सबसे भरा पड़ा है एकदम से. सम ऑफ द प्लेट्यूड हैव डीप कैनियंस सच एज द ग्रैंड कैनियन इन द कैलोराडो प्लेट्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कुछ प्लेट्यू जो है इनमें डीप, बहुत ही गहरे जो है कैनियंस होते हैं, ठीक है ना. कैनियंस मतलब क्या हो गया, देखते ना, बिल्कुल गहरा गड्ढा टाइप का बना हुआ है ना बीच में, यार कैनियंस. जैसे कि कोलोराडो प्लेट्यू जो है यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए में, तो वहां पर भी है ये. सो वेल यू कैन यू नो लाइक रीड अबाउट द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ओके इन योर बुक एज वेल, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट द प्लेन्स एंड देन मूव अहेड. ओके, बाय बाय.